No, 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 no. She's just making a picture. Just stay there. Stay there. She'll make a thoda aur niche. Thoda aur niche. Thoda aur niche. Niche, niche. So that you're, yeah. On the thing, rest it on this. No, no, she's resting there only. No, she's not resting. Okay, okay. Acha, you mean the face ka placement? Wait, I think it's not convenient. Ab karo, ab karo. Aankhe band karo. Ab theek hai? Yeah, Shivani is okay now. Click. Shoot, shoot, shoot. Don't move. So the computer will, you one side you can see your real picture in the daylight, on the other side you see the UV picture, right? So UV will calculating what is the kind of wrinkle damage, what is the kind of cell damage, what is the kind of acne damage, what is the kind of ultraviolet pigmentation damage. Yes, now after it is done, we will calculate a summarized report for you, and the report will come up from the report. Yeah, this is a good picture to make. So, you know, it's actually showing that kahan kahan pe chote chote marks aane wale hain. Okay. Yeah? Aane wale hain. This is maybe 5 years. Aap hoga ki ye machine sach bolti hai ki nahi bolti. Agar ye machine aapko likh ke de ki aapki 28 saal umar hai, to aap manenge ki hamari machine bahut hi behtareen hai. Really? Right. So, hamari machine ne jo abhi aapke dur se jo aapne chitra khicha, us chitra ko dekhkar machine ne print out diya aur us pe likha aaya 28.92. That means you are around 29 years. Yeah, is that correct? Yeah, absolutely correct. So this is an amazing thing, जिससे पता लगता है कि machine का analysis काफी हद तक accurate है. अब हमें जाना है आपके skin के अंदर और ये देखना है कि बाकी चीजें accuracy में machine क्या बताती है. Yeah, now we are also very excited. Yeah, let's see. और अब सब लोगों के लिए read out करके देता हूँ. तो 28 तो computer ने आपकी age बताई थी. मगर अगर आप रेड ग्रीन ब्लू लाइट में अपने स्पॉट्स को देखें तो कंप्यूटर कहता है 78% स्पॉट्स आने की संभावना है. okay. और आपकी एज आज उस हिसाब से 32.5 है. okay. यानी कि जो यूवी रेडिएशन आपने अब्सॉर्ब करी है अपने स्किन में आज तक उसका इफेक्ट आपको 28 से आज आप 32 के लगते हैं. okay. Instead of 28, your appearance is getting to 32. So I have to work on that. You have to work on spots. Spots. अब पोर्स की बात करें तो आपके पोर्स इस समय बहुत अच्छे हैं. 23 कंप्यूटर कहता है कि 23% आपकी एज लगती है और 22% ही केवल स्पॉट. तो ये बहुत बहुत अच्छी एक उपलब्धि हो गई. यानी कि हमें आपके पोर्स के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है. बट जहां तक स्किन की रफनेस की बात आती है तो 36. या क्या आपको कभी अपनी स्किन रफ भी लगती है? लगती है, राइट? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर से भी मानते हैं, दैट अग्री, राइट? जब देख रिंकल की बात आती है तो ऑब्वियसली रिंकल तो आपको नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे भी आपकी उपलब्धि बहुत अच्छी है. 23 कंप्यूटर कहता है आपकी स्किन 23 लग रही है जबकि 28. या सो रिंकल्स तो आपको बिल्कुल नहीं है, एक्ने भी नहीं है, या और अल्ट्रा वायलेट स्पॉट्स. तो ज्यादातर फ्यूचर में जाके आपको पिगमेंटेशन की संभावना है, एज स्पॉट्स की संभावना है, या एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ रफनेस. सो दिस इज द काइंड ऑफ स्कैनिंग सिस्टम दैट वी हैव. आइए ट्रीटमेंट प्रोग्राम. तो ये तो हमारा पहला स्टेप होगा आज. पहली बार जब आप क्लिनिक पे आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये आपकी रिपोर्ट है. आज जो हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, हर बार जब आप ट्रीटमेंट कराने आएंगे, ट्रीटमेंट के बाद आपका एक स्कैन लिया जाएगा. हमारे यहाँ पे आपका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा और हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपके स्किन इम्प्रूव कर रही है. सो आर यू एक्साइटेड टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड? वेरी एक्साइटेड. या बिकॉज जो चीजें मुझे आपने अभी बताई हैं तो ये मुझे कहीं से भी पता नहीं लगी. कहीं से नहीं पता लगी. तो नॉर्मल ब्यूटी पार्लर में जाके क्या होता है कि दे गेट सम फेशियल प्रोडक्ट और उनके पास एक स्टैंडर्ड तरीका है काम करने का. Okay, I'm satisfied. चलो ठीक है. हम कहीं ना कहीं पैसे देने के बाद satisfied हो जाते हैं. मतलब ऐसे लगता है कि नहीं कुछ लाग कर रहा है, but वो आपको समझ नहीं आता है कि what exactly. Right.
तो जो मेडिकल ब्यूटी सेंटर है, मेडिस्पा है, इट इज बिटवीन अ ब्यूटी पार्लर एंड अ डर्मेटोलॉजी सेंटर, बिकॉज वी टेक केयर ऑफ टेकिंग ब्यूटी नीड्स ऑफ यू, वी डोंट वर्क विद एलिमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, राइट? तो उदाहरण के तौर पर जैसे लेजर हेयर रिमूवल, हेयर रिमूवल ना होने की वजह से भी स्पॉट्स दिखाई देते हैं, यानी कि अगर आपके चेहरे पे बहुत बाल हैं, अगर मैं अपना स्कैन लूंगा तो स्पॉट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो एक प्रॉब्लम आती है हेयर रिमूवल। दूसरा, मैं आपको यहां से देख के बता सकता हूं, यूवी स्पॉट्स इसीलिए ज्यादा हैं, कहीं आप ब्लीच कराते होंगे, अगर आप ब्लीच कराते हैं तो इसको इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लीच से बुरा प्रोडक्ट शायद हमारे स्किन के लिए कोई नहीं बना। देखिए, हम अपने बहुत ही अच्छे महंगे कपड़ों पर भी ब्लीच नहीं लगाते, एम आई राइट? क्या आप अपनी बहुत अच्छी टॉप पर ब्लीच लगाएंगे तो आप अपने चेहरे पे क्यों लगाते हैं? सो देयर आर ब्लीच, मतलब वी डोंट हैव टू। देखिए, जो हमारा कंट्री का यूवी सिचुएशन है, आप देख रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, आप देख रहे हैं कि यूवी रेडिएशन हर साल बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, हमारे मौसम बदल रहे हैं एंड पोल्यूशन सिटी में बहुत बढ़ता जा रहा है, राइट? सो कंसिडरिंग ऑल दैट एंड कीपिंग दैट इन अकाउंट, सो यू नो पिगमेंट्स एंड स्पॉट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू कम, एंड इफ यू ब्लीच यू आर ड्राइंग योर स्किन फर्दर डाउन। तो हमें क्या है, बहुत सी लेडीज को ये मिथ है कि मैं ब्लीच करूंगी तो मैं गोरी हो जाऊंगी, वही होता है ना, फंक्शन है कुछ है तो शायद ग्लो लाने के लिए ब्लीच चाहिए, और ब्लीच के विपरीत जाकर शायद आपको अपने स्किन में पानी भरने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रेशन अपने स्किन में भरते हैं तो उसी से आपका स्किन बहुत गोरा हो जाता है, आपका कलर बहुत फेयर हो जाता है, ब्लीच के विपरीत जाकर। ब्लीच का काम है आपकी स्किन से पानी की मात्रा को सुखाना। या सो एट शेल्स वेरी प्राउडली वी डू नॉट एंटरटेन ब्लीचिंग, ये ब्लीचिंग ही है जिसकी वजह से हमारे पास रोज बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिनके हम स्कैन्स लेते हैं, जो पिगमेंटेशन की परेशानी से रोज आते हैं हमारे पास। सो द पॉइंट हियर इज दैट ब्लीचिंग आई कैन सी विदाउट इवन आस्किंग यू कि आप ब्लीच बहुत कराते हैं, या सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग। तो आपके लिए पानी की मात्रा को बढ़ाना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट है ऑक्सी बैलेंस, जिससे हम आपके स्किन में ऑक्सीजन को इन्फ्यूज करते हैं, हाई प्रेशर ऑक्सीजन। तो आप पीछे बहुत सारी ये मशीनें देख रहे हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि शायद जम्मू एंड कश्मीर में इतनी मशीनें एक क्लिनिक के पास कभी नहीं हुई। We have been in the business for a very long time also on pan India basis. हमारी कंपनी के बहुत से अपने क्लिनिक्स भी हैं इंडिया में, एंड शिवानी के साथ भी हमारा बहुत पुराना कनेक्शन है, बट इन वन क्लिनिक वी हैव नेवर सीन सो मेनी मशीन्स टुगेदर अंडर वन रूफ। तो शिवानी हैज ऑलवेज बीन कंसर्न अबाउट कि किसी क्लाइंट को अगर कभी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मुझे बेस्ट सोल्यूशन चाहिए। तो हमारे पास ऑक्सी जेट मशीन है जिससे आपके स्किन में हाइड्रेशन और ऑक्सीजन इन्फ्यूज किया जाता है। तो आप तकरीबन 60 मिनट्स के ट्रीटमेंट के लिए आएंगे जिसमें हम आपके स्किन में हाइड्रेशन करेंगे। एक ट्रीटमेंट आपको और कराना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं IPL, इंटेंस पल्स लाइट, और उसके लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट है OPT, आप सामने देखते हैं ये वाला मशीन, या इससे हम लाइट को इन्फ्यूज करते हैं आपके स्किन में। इसके हमारे दो फॉर्मेट्स हैं, आप एक जूनियर फॉर्मेट पे देख सकते हैं, इस मास्क के अंदर लाइट चल रही है, जी हाँ, इसे क्या कहा जाता है, PDT, फोटो डायनेमिक ट्रीटमेंट। आप देख सकते हैं इसमें इस समय रेड कलर का लाइट बाहर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग लेवल लेजर। आधे घंटे तक ये लाइट जब आपके स्किन में पेनिट्रेट करती है तो आपके कोलेजन सेल्स अपने आप रीएक्टिवेट हो जाते हैं। So, अगर हमें रिंकल की प्रॉब्लम है, अगर हमें स्किन में सेल्स को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, पोर्स की प्रॉब्लम है, तो हमारे पास छोटी से लेके बहुत बड़ी मशीन तक सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल। आई थैंक मोहित फॉर दैट ही हैज बीन एवर सिंस बीइंग एज आवर बैकबोन, एजुकेटिंग अस एंड ब्रिंगिंग अस ऑल दिस न्यू टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी प्राउड टू से और आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट दीस प्रोडक्ट्स आर ऑल लाइक FDA approved, which is one of its only kind in entire country. And we come up with the, rather they come up with some kind of
new technologies and new serums. The serum, this is the first time again, which is called, which is made with snail saliva. So basically, what we are doing is, we are introducing latest technology for Jammu and Kashmir again. We have three big technologies that we've got through Jammu and Kashmir. One is the intense pulse light, जिससे हम pigmentation और skin lightening program करते हैं. And then there is a diode equipment, जिससे हम ज़्यादातर hair removal का treatment करते हैं. And then there is one something called beam probe. जिन लोगों को birth marks की problem है, जिन लोगों को बहुत deep pigments की problem है, और आजकल लोग tattoo removal भी कराना चाहते हैं. Girlfriend बदल जाती है तो tattoo change कराना ज़रूरी हो जाता है. तो जैसे tattoos बहुत common हो गए, उससे ज़्यादा difficult काम हमारे MediSpa का हो गया. And that difficult work is removal of tattoo. तो tattoo removal, birthmark removal, any kind of pigment removal. तो Shalz has the maximum number of dermatology machines ever in Jammu and Kashmir. So the kind of investment that is done here for people of Jammu and Kashmir, they will feel a lot of benefit after this. And the major thing that we would want to pass to the media is that we are very economical. बहुत से लोग सोचते हैं कि इतना सब कुछ बना लिया तो महंगा होगा सारा काम. यार तो आपने देखा होगा शहर में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए. एंड वी स्टार्ट एट 99 रुपीज. दैट इज द मेजर थिंग. And we are cheaper. That is a new beginning to laser. We are cheaper than threading in the market. अगर ladies threading कराने जाते हैं तो उससे तो हम 1/5 price पे हैं. तो अगर आप calculate करें कितने साल हमने threading पे कितना पैसा दिया, अगर 100 रुपए महीना भी देते हैं और 20 सालों से आप देते आ रहे हैं, तो शायद आपने 10 गुना ज़्यादा पैसे दे दिए laser की जगह. So we are cheaper than threading, and that is the latest technology for Jammu and Kashmir. We've introduced this machine called Avant Garde 3000. This is the latest German technology, pain-free, hassle-free. It's a cold technology of removing hair, and it is also the most economical technology to remove hair. Yes, I would actually like to thank Mohit for being here always to support us. हमारी जितनी भी strength है मुझे लगता है कि वो इनके बदौलत है जो हमको इतनी knowledge और education के साथ हमको The latest machines हम लोग यहाँ पे लेकर आ पाते हैं, and मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बोलकर कि हम पहले client का skin diagnose करते हैं, उसके लिए हमारे पास machine अलग है, फिर उस diagnosis के मुताबिक हमें क्या किस client को देना है, वो हम plan करते हैं, और उस treatment के accordingly उनको हम अच्छा session दे सकते हैं, और जैसे कि इनका कहना है कि क्या ये चीजें महंगी हैं, बिल्कुल भी महंगी नहीं है. हम जाते हैं 10-10 जगह, 10-100 रुपया देकर काम करते हैं. हम एक ही बार अच्छी ट्रीटमेंट लें, और वो सस्ती भी है, महंगी बिल्कुल भी नहीं है. एंड आई वुड से दैट दिस लेटेस्ट मशीन व्हाट वी हैव लॉन्च्ड हियर, इससे द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट 95% फास्टर, एंड दे आर पेनफुल. जो सबसे एक हमें डर लगता है कि लेजर कराएंगे तो दर्द होगी, उससे जलन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर वेरी वेरी सेफ एंड वी आर सर्टिफाइड टू डू इट. एंड ऑल्सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आर न्यू प्रोडक्ट लाइन विच इज विच आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू मिस्टर अमान. सो आई थिंक वी कैन ब्रेक फॉर 1 मिनट. So I think we can have a good picture by holding something like this. Guys, come closer. Okay. Just remove your bag. Okay. एक सेकंड तो होना चाहिए. डेमो करना किस पे? लेट्स यू जस्ट वांट यहाँ किसी को भी इनको इंग्लिश किसी का कर देते हैं.
बहुत सालों से मैं जम्मू आता रहा हूँ और शैल्ज़ इंस्टीट्यूट पे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। शिवानी ने बहुत सी एडवांसमेंट्स करी हैं जो डर्मेटोलॉजी फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और मेरा मानना है, जहाँ तक हमारा सर्वे है, कि किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में इतना इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी शायद अभी तक नहीं है जितना शैल्ज मेडिस्पा ने इन्वेस्ट किया है। वी हैव द डायग्नोस्टिक सिस्टम। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि आपकी स्किन के अंदर चल क्या रहा है। अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे पिगमेंट का ट्रीटमेंट कराना है या मुझे रिंकल्स कराने हैं या एक्ने कराना है और वो बीमारी कहाँ तक पहुँच चुकी है, तो शायद एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको सही मात्रा की दवाई या सही ट्रीटमेंट डिज़ाइन करके नहीं दे पाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू फर्स्ट डायग्नोस द स्किन। और उसके साथ साथ आजकल लेटेस्ट ज़माने में लेज़र्स का काफ़ी चलन है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास हर प्रकार की लेटेस्ट डर्मेटोलॉजी टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर हेयर रिमूवल, टैटू रिमूवल, एक्ने रिडक्शन, पिगमेंटेशन रिडक्शन, और जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ रीजन में फ्रेकल की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो फ्रेकल्स को ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड लेज़र्स हैं, जिसके अंदर आप ट्रीटमेंट कराकर 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि ये ट्रीटमेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा दैट अंडर 99 rupees वी स्टार्ट फॉर द लेज़र हेयर रिमूवल। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, और इसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, बेहतरीन है, और इस समय यूरोप में भी यही टेक्नोलॉजी चल रही है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवानी गुप्ता, शैल्ज मेडिस्पा जम्मू। आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट वी हैव एडेड आउट येट अनदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हेयर रिमूवल। दिस इज द लेटेस्ट डायो टेक्नोलॉजी and very effective. It is very painless and faster results as compared to the technologies which were earlier used. और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बोल के कि हमारे टाउन में अब अवेयरनेस आ गई हुई है इस चीज़ की। पहले लोग इन चीज़ों से डरते थे, उनको लगता था कि लेज़र कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उनको लगता था कि लेज़र करेंगे तो पता नहीं क्या मार्क रह जाएगा, दर्द होगी और कितना एक्सपेंसिव होगा। तो इस चीज़ को, इस डर को हमने भगाया है, इसीलिए हमें ये मौका मिला है कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को और एनहांस करते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। और इसका सपोर्ट हमारी टीम मेडिस्पा से हमको टाइम पर टाइम मिलता रहता है, हमें उनसे एजुकेशन मिलती है और हमें सर्टिफाई किया जाता है कि हम इन ट्रीटमेंट्स को बिना किसी नुकसान से, बिना किसी को डैमेज स्किन को किए हुए, बिकॉज स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। स्किन की जो स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है वो सबसे बड़ी बात है, स्किन की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपने सैलून में बहुत इंश्योर की गई हैं। डायग्नोस्टिक्स, आपके हेयर रिमूवल का प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम, एक्ने का प्रॉब्लम और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स। नहीं, मैंने बस स्टार्ट बता दो, कहां से करना, बाकी आई विल कंटिन्यू। स्टार्ट यही करना कि दैट वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट वी आर शिवानी पुरी।